हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जो। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज का वीडियो किसी गाने और किसी मूवी के ट्रेलर पर नहीं है, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये नेपाली फुटबॉलर के बारे में है। एक लड़की है जो नेपाल की फुटबॉल खेलकर उसने अपने देश का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर दिया है। जी हाँ, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर नेपाली फुटबॉलर के बारे में, फुटबॉल कितना महत्वपूर्ण रखता है नेपाल के लिए और इस लड़की के लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। और इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो हो तो आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे मैसेज करके रिकमेंड कर सकते हैं, मैं उस पर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए सीधे लेके चलता हूं यूट्यूब पे जहां पे हमें वो वीडियो मिलेगा। ओके, बहुत ही वायरल हो रहा है ये वीडियो, बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, जिसका नाम है नेपाली फुटबॉलर मीन्स अस्मिता आले। ये देखिए, नेपाल की लड़की का दम सबको पछाड़ा, ऐसे जगह शामिल नेपाल की अस्मिता आले एस्टन विला एफसी नेपाल फुटबॉल। ये जो वीडियो है NI न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने लगा देता हूँ हेडफोन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। NI न्यूज। नमस्कार, NI न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी और खुशी की खबर हर नेपाली के लिए निकलकर सामने आई है। जी हाँ, नेपाली अस्मिता एले ने हाल ही में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और पूरी दुनिया में नेपालियों का नाम रोशन किया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये? जी हाँ, आपको बता दें कि अस्मिता एले नेपाली ओरिजिन की है और वो एक स्पोर्ट्समैन है और उन्होंने हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एस्टन विला FC से। ओके, यानी कि एस्टन विला फुटबॉल क्लब से। जी हाँ, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात को क्लब ने अनाउंस किया है फ्राइडे को, यानी कि आज से एक दिन पहले ही। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद नेपाली ओरिजिन की अस्मिता एले ने कहा कि ये मेरे लिए एक सपना है कि मैं फुटबॉल को अपने करियर और अपनी जॉब की तरह ट्रीट करूं। और उन्होंने कहा, मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि मुझे इस क्लब ने अपने यहाँ ज्वाइन करने का मौका दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट देता है कि एस्टन विला का स्टाफ मुझे भविष्य के लिए यहाँ रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि अस्मिता एले को जिस कैटेगरी में रखा गया है वो है ग्रुप लेवल ऑफ इंग्लैंड और वो रेगुलर मेंबर है लाइनस अंडर 19 सेटअप की। अब जिसको नहीं पता कि फुटबॉल क्लब और फुटबॉल टीम क्या होती है, उसको मैं बता दूं कि फुटबॉल क्लब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका कहीं ना कहीं एक इंचार्ज होता है और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं मेंबर्स के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो छोटे से ही बच्चों को ट्रेन करती हैं और कई बड़ी जगह पर मौका देती हैं। हर एक क्लब में कई टीम्स भी हो सकती हैं और ये कहीं ना कहीं प्लेयर्स को और ज्यादा मांझने का काम करती हैं, जिसके बाद प्लेयर्स कहीं ना कहीं नेशनल लेवल की टीम्स में सिलेक्ट होते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और इन क्लब्स में ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए फुटबॉल का बहुत बड़ा टैलेंट। अगर वो फुटबॉल क्लब है या फिर कोई और गेम का क्लब है तो उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए उस गेम का टैलेंट। तो यही डिफरेंस होता है क्लब और एक टीम में। आपको बता दें कि जिस क्लब एस्टन विला FC से अस्मिता जुड़ी है वो क्लब इंग्लैंड का प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है और ये क्लब कम्पीट करता है प्रीमियर लीग्स में, जो कि टॉप की इंग्लैंड फुटबॉल की लीग का सिस्टम है। यानी कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर इंग्लैंड में उन्हें देखा जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है और इस खेल के काफी ज्यादा व्यूवर्स हैं और दुनिया में इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, इसीलिए इस खेल में पैसा भी बेशुमार है। तो कहीं ना कहीं नेपाली मूल की अस्मिता ने एक बड़ी जगह बना ली है इंग्लैंड के इस क्लब में, जिससे वे कहीं ना कहीं इंग्लैंड का नाम तो रोशन करेंगी लेकिन वो नेपाल का नाम भी उतना ही रोशन करेंगी। आपको बता दें कि उनके हेड कोच गेमा डेविड ने कहा कि अस्मिता ने अपने आप को प्रूफ किया है, अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूफ किया है, वो अपने कैरियर में काफी ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने कहा ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है कि उनका पोटेंशियल इस गेम को और ज्यादा इनहेंस करेगा, क्योंकि उनको एक टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और वो रेगुलर मेंबर है लाइनस अंडर 19 सेटअप की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे काफी ज्यादा गर्व महसूस होता है कि हम काफी अच्छे प्लेयर्स को टीम्स में अपॉर्चुनिटी देते हैं और जिसमें से नेपाली मूल की अस्मिता एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। तो एस्टन विला फुटबॉल क्लब, जो कि इंग्लैंड का प्रोफेशनल क्लब है, जो कि बेस्ड है बर्मिंघम में। आपको बता दें कि इस फुटबॉल क्लब को फाउंड किया गया था 1874 में और ये काफी पुराना फुटबॉल प्लेयर्स के लिए क्लब है।
और ये चुनिंदा उन पांच इंग्लैंड के फाइव क्लबों में से है जिसने जीता था यूरोपियन कप 1981 और 82 में, और साथ ही साथ फुटबॉल लीग 7 times भी इन्होंने जीता था। तो कहीं ना कहीं इस क्लब के साथ स्मिता को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि अब वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ फुटबॉल में भी नेपाल का नाम ये रोशन करेंगी, क्योंकि नेपाल में फुटबॉल के काफी ज्यादा लवर हैं और काफी लोग फुटबॉल को पसंद भी करते हैं। साथ ही साथ नेपाल में क्रिकेट से लेकर कई और गेम्स की काफी अच्छा प्रदर्शन हाल के सालों में देखा गया है। अब उसका एक और जीता जागता एग्जाम्पल अस्मिता एले देखने को हमको मिल गई है। तो बहुत ही गर्व की बात है कि स्मिता को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और वो अब वर्ल्ड लेवल पर एक टीम का हिस्सा है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट और कैसी लगी स्मिता एले, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा स्मिता एले के बारे में, ये वीडियो है नेपाल की फुटबॉलर जो कि खेलेंगी जाके इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड का नाम रोशन करेंगी नेपाल की स्मिता एले। तो जैसा कि वीडियो में बताया गया कि जो स्मिता एले हैं इन्होंने नेपाल का तो नाम रोशन किया ही है, साथ साथ ये इंग्लैंड की तरफ से खेल के इंग्लैंड का भी नाम बहुत ज़्यादा रोशन करने वाली हैं। और जैसा कि स्मिता एले ने कहा कि भाई ये एक तरह से उनका सपना है एस्टन विला फुटबॉल क्लब में शामिल होना, वो सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब इतने बड़े क्लब के अंदर वो सिलेक्ट होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, सारी की सारी इनकी मेहनत का कमाल है, जो उन्होंने किया वो उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया तब जाके उनको एस्टन विला में। ऐसा नहीं है कि स्मिता एले ही सिलेक्ट हुई, और भी बहुत सारे खिलाड़ी अगर मेहनत करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल में ही नहीं, नेपाल में क्रिकेट और फुटबॉल ऐसे और भी कई सारे गेम्स हैं जिसमें कि लोगों ने नाम रोशन किया है अपने देश का। सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, जैसे कि डांसिंग में फुटबॉल में सुनील छेत्री हैं, उन्होंने वो इंडिया के प्लेयर हैं लेकिन हैं वो नेपाली, सुनील छेत्री नेपाली हैं लेकिन इंडियन की तरफ से खेला भी। हाल ही में मैच हुआ था, बांग्लादेश को 2-0 से हराया है, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। फिर अस्मिता एले ने फुटबॉल में फिर से नाम रोशन किया है, उनका बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, नेपाल का नाम रोशन होते जा रहा है। इसी तरह से सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने अपने देश का नाम रोशन करेंगे तो उनको भी लोग जानेंगे, साथ साथ उनके देश को भी, उनकी कंट्री को भी लोग जानेंगे। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड और कोई वीडियो या अस्मिता एले का और कोई वीडियो है, उनका इंटरव्यू है कोई, तो आप मुझे वो वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर इंस्टा फेसबुक मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उस पर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए, मुझे यूँ ही सपोर्ट करते जैसे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारे वीडियोस लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।